अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। माशाल्लाह आज एज यूजुअल संडे का दिन है, तो कल एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कल से सोच रही थी कि क्या चीज़ आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि खानों के एतबार से और मौसम के एतबार से, क्योंकि मौसम जो है तब्दीली है अल्लाह पाक की। तो हम लोग अमूमन हमें थोड़ा शुक्राने में भी रहना चाहिए और हमें हर मौसम को बावजूद तकलीफों के खुश होना चाहिए, इसलिए कि हर मौसम में उसके नेमतें अल्लाह पाक ने दी हैं और आप वो खाएं। लाइक सर्दियों के मौसम में सर्दी की चीज़ें हैं, गर्मियों के मौसम में और चीज़ें अल्लाह पाक ने दी हैं, और अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। अच्छा जी, अब मैं कम टू द पॉइंट, और वो ये है कि सिमी खान के किचन में मेरे तमाम जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ जिस मुल्क में, सब लोगों को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ सबके घरों में खुशहाली, सलामती, खैर होगी, और अल्लाह ताला सब घर जो मुझे देख सुन रहे हैं उनके घरों में अल्लाह ताला खैर व आफियत करे, सलामती करे। अच्छा जी, आजकल मेरी बहन आई हुई, जाहिर है छुट्टियां हैं तो चीज़ें तो आपको पता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको पता है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहन मेरी आई हुई है, तो फिर मैंने कहा उसके लिए क्या बनाया जाए, जो कि मैं कल से सोच रही थी। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पेरेंट्स के घर में जहाँ विंटर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक हमारा बड़ा फैमिली का, और जो मेरे बाहर मेरे चाचू और मेरी फुप्पी वगैरह जो मुल्क से बाहर हैं, जब वो मुझे देखेंगे और सुनेंगे तो यकीनन बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत ही हमारी फैमिली का ट्रेडिशन मज़ेदार सी एक खाना मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है प्रॉन बिरयानी। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाएंगे और किस तरह, मतलब उसको हम दिखाएंगे सब कुछ आपको, क्योंकि हम आज वही खा रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कैमरामैन शायान खान है आज हमारे साथ, तो अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सलामती बहुत कामयाबी दे, मेरे दोनों बच्चों को। आप लोग जहां मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे एहतराम करते हैं, तो प्लीज़ काइंडली सब मेरे जितने फैमिली हैं, वो सारे फूडीज़ फैमिली हैं, उन सबों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सब आपस में एक दूसरे को याद रखें मोहब्बत से और प्यार से। आ जाए जी, अब हम दिखाते हैं आपको प्रॉन। शानी फोकस कीजिए जी। जनाब ये प्रॉन जो है, इसको झींगे भी कहते हैं, और क्या कहते हैं शाना, अगर नहीं, अगर जो बड़े होते हैं लॉबस्टर। ठीक है जी, अब हम दिखाते हैं आपको प्रॉन। शानी फोकस कीजिए जी। जनाब ये प्रॉन जो है, इसको झींगे भी कहते हैं, और क्या कहते हैं शाना, अगर नहीं, अगर जो बड़े होते हैं लॉबस्टर। ठीक है, तो उसी के एक शाहाना ने बता दिया, उसी के काइंड ऑफ थिंग है झींगे। तो ये वैसे मैंने 1.5 kg लिया था, लेकिन माशाल्लाह सफाई होने के बाद इसकी ये क्वांटिटी रह गई है। अब हम आते हैं, ये ऑल सारे गर्म मसाले जाएंगे ड्राई, और किस फॉर्म में जाएंगे, साबित। ये जी अदरक लहसुन है, इसका आज मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ। आमतौर पे मैं, आप लोगों को पता है कि क्या पता है, वो ये पता है कि मुझे कुटी हुई चीजें पसंद है, अदरक लहसुन, लेकिन समटाइम कुछ खानों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, अब आप मेरा शो क्यों देखेंगे, सवाल ये भी है ना, तो उसका जवाब ये है, क्योंकि मैं अमूमन अपने अम्मी पापा की रेसिपीज ट्राई करती हूँ, और इस झींगे की बिरयानी को जो डिफरेंट चीज बनाएगी शायान इधर आइए, वो है सोया पत्ता। ये एक बहुत खुशबूदार, एक क्या है इसको इंग्लिश में पता नहीं कुछ कहते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सोया पत्ता है, ये टमाटर है, तो ये टमाटर ये 1 पाव के लगभग है, ठीक है। सोया पत्ते के हमने दो गड्डियां ली हैं बारीक, के शाना ने काटी है, क्योंकि झींगे की बिरयानी को जो डिफरेंट चीज बनाएगी शायान इधर आइए, वो है सोया पत्ता। ये एक बहुत खुशबूदार, एक क्या है इसको इंग्लिश में पता नहीं कुछ कहते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सोया पत्ता है, ये टमाटर है, तो ये टमाटर ये 1 पाव के लगभग है, ठीक है। सोया पत्ते के हमने दो गड्डियां ली हैं बारीक, ये शाना ने काटी है, क्योंकि
बस क्या बताऊं, बस आप लोग इसको नजरअंदाज कीजिएगा। ये हरी धनिया है, ये कम डलेगा, ये ज्यादा डलेगा। ये साबित हरी मिर्च है, वो मैं बताऊंगी किस फॉर्म में आपने डालनी है। अच्छा जी, अब बिरयानी की बात है तो हम राइस की तरफ आते हैं। ये राइस हमने लिया है 1 kg, क्योंकि हमेशा से मेरे पेरेंट्स कहते थे कि स्पेशली मेरे फादर इस बारे में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि जब आप जो भी गोश्त या चिकन या फिश की बिरयानी बनाए या प्रॉन की बनाए तो आपकी क्वांटिटी डबल होनी चाहिए। तो इस वक्त मैंने तो 1.5 किलो लिया था, तो 1 किलो से थोड़ा कम मैंने राइस रखा है। तो अब ये सफाई होने के बाद आई थिंक 1 किलो रह गया है। ये थोड़े बड़े वाले हैं, बिरयानी के लिए उमूमन यही वाले साइज यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं फिर सिमी खान के किचन में। सिमी खान के साथ जुड़े रहे आप लोग इसी प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम के साथ। तो फिर मैं अब किचन में जाके आपको बताती हूँ कि हम जो खाते हैं हम वही दिखाते हैं। तो मिलते हैं जी कहाँ, सिमी खान के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सिमी खान के किचन से आप सबों को एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमारे घर में पक रहा है वो प्रॉन बिरयानी। तो ये मैंने थोड़ा सा तेल, लाइक हाफ पाव तेल समझ लें, और ये थोड़ी सी मैं ये डाल रही हूँ नमक, जायके के एतबार से। इसको जो है बहुत लाइटली, इसको कोई गोल्डन और फला फ्राई नहीं होना है, ये एक हल्का सा इसको सौते करना है जब इसका कलर चेंज हो जाए। ये वाला पॉइंट जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्लीज नोट कर लें, जो भी सी फूड लवर्स हैं, ठीक है जी। जब तक ये यहाँ पर ये हो रहा है, अब मैं आपको राइस दिखाती हूँ। हम राइस बॉईल करेंगे, वो जो हमेशा से एक तरीका होता है, ये सारे फोकस कीजिएगा शायन, ये देखें, ये सारे जो है हमारे साबित गरम मसाले हैं। ये हम पानी बॉईल कर रहे हैं, मैंने 4-5 तेज पत्ते डाल दिए और अब ये सारे मैं गरम मसाले डाल रही हूँ, जो यकीनी तौर पे आप लोगों को पता है कि गरम मसाले साबित कौन से होते हैं। और मैं उसमें एक खाने वाला चम्मच नमक डाल रही हूँ। लेकिन प्लीज मेरी क्वांटिटी चावल की 3 पाव की है, और आपके सामने मैंने बता दिया है इसकी क्वांटिटी कि मैंने प्रॉन्स जो है इसके अंदर कितने डाले हैं। हमने इसको हल्का सा एक कलर देना है, ठीक है जी। मैं भाई अपनी जो सिमी खान की रेसिपी में मैं जो ट्राई कर रही हूँ, ये मैं अपने अम्मी पापा की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जो कि इस तरह से पकाई जाती है। तो काइंडली आप जो फूड लवर्स हैं आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा सिमी खान के स्टाइल से, सिमी खान के किचन के स्टाइल से, ठीक है जी। और जब तक के ये अपना थोड़ा सा इसका जो पानी बचेगा, आपको पता है कि मैं कोई भी चीज जाया नहीं करती हूँ, तो ये पानी मैं इसका रखूंगी, क्योंकि ये इसी का जो जब मैं बिरयानी बनाऊंगी, जब इसको जिस स्टेप पे डालूंगी तो इसकी जो खुशबू अरोमा जो है वो हमारे बिरयानी में आनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये पानी हमने चावलों का जो है 3 पाव का चावल है, राइस है, भिगो दिए थे हमने 1 घंटा पहले, और तमाम ऑल काइंड ऑफ गर्म मसाले डाल दिए। चूंकि ये गोश्त की, मटन की, बीफ की बिरयानी नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तौर पर हमने क्या नहीं करना है, पुदीना ऐड नहीं करना है, ठीक है जी। तो चलें जब तक ये तैयार होता है फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। जुड़े रहे सिमी खान के साथ, सिमी खान के किचन में, फिर हम आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। ये देखें, ये चावल में भी धुकर नहीं है, बस अब मैं इसको थोड़ी देर में उबालने जा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे मिक्सिंग करनी है और कैसे प्रॉन्स का मसाला बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, देखें ये राइस तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल आप लोगों की तरह खूबसूरत मेरे गोरे चिट्टे राइस तैयार हो गए। और क्या, वैसे तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों से, एक चीज शेयर करूंगी, लाइक टिप्स समझ लें या टोटका समझ लें। अच्छा यार, थोड़ा सा मेरे कैमरा मेरे मुंह से पीछे रखना। हाँ जी, देखें ये ब्राउन प्याज और टमाटर कहते हैं ना, टमाटो का ये मिक्सचर है, टमाटर का आप ब्राउन प्याज कर लें, वेरी इजी है। और मैं हर अपनी बहन से गुजारिश करूंगी, बहनों से, कि आप लोग ब्राउन प्याज कभी भी फुर्सत मिले तो बहुत सारा काट के उसको फ्राई करके और उसमें थोड़ा टमाटर डाल के किस तरह का मिक्सचर बना के रखें। चूंकि मैंने इसको, ये सर्दियों के दिन है एक्चुअली, तो इस वजह से जो है ना ये काफी हद तक जो है ये मेल्ट नहीं हो सके हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा मैंने प्याज काट के दिखाना है, प्रॉन मसाला की बात कर रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ।
जस्ट लाइक आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फिर वही आपका हमारा कहना तो फिर यही हो जाता है ना कि क्या कहना हो जाता है कि हम जो पकाते हैं तो हम वही दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने प्याज को ब्राउन करना है, कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो गरम मसाला ऐड किया हमने अपने राइस में किया है, हौले हौले जो है हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, राइस में किया है, हौले हौले जो है हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। तो तब तक थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और बताएं आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे। तो मेरी बहन कह रही है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और काश मेरे भाई वगैरह भी इधर ही होते। तो अब मैंने तय किया है कि मैं अपने प्यारे भाई जिशान मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये जो प्रॉन बिरयानी है ये उसकी जान है, जैसे मैं हूँ। ओके जी, तो मैं उसके लिए भी भेजूंगी क्योंकि मेरी बहन जो है आज जा रही है, तो वो खाएंगी खाना, डिनर करेंगी आज, नहीं तो सुबह इंशाल्लाह वो चली जाएंगी खैरियत के साथ। तो यकीनी तौर पे छुट्टियां हैं, बहरहाल ऑनलाइन जो पढ़ाइयां हो रही हैं तो उसमें तो बच्चों की छुट्टियां भी हो रही हैं। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है मेरा गैस दम तोड़ गया है। एज इट इज हम कराची डिफेंस से में रहते हैं और नहायत अफसोस के साथ हमें इस सूरत हाल का सामना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी जो है स्टॉप कर रही हूँ वीडियो, यहाँ पे गैस चली गई है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब गैस का मिजाज ठीक हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, जुड़े रहे सीमी खान के साथ, सीमी खान के किचन में, यानी कि आपका अपना किचन। और वो जो मैं हमेशा कहती हूँ, सो मैं अभी भी कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आपका किचन भी ऐसे ही आबाद रखे, खुशबुओं से महकता रहे। सीमी खान के किचन में ये खाने आपके घरों की जीनत बने। तो मिलते हैं फिर हम थोड़ी देर के बाद, गैस कम हो गई है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये मुझे प्याली मेरी बहन हुमी ने दी है। तो आप लोगों को पता है कि यार आवाज कम करो मोमो। एक तो आपको पता है घर में बच्चे आ जाते हैं तो माशाल्लाह जहाँ रौनक होती है। अच्छा मैं आती हूँ अपने पॉइंट की तरफ। सडनली गैस बहुत जल्दी से आ गई थी तो चार प्याज के दाने थे जो मैंने आपको दिखाने थे, तो जनाब वो फिर मैंने जल्दी से टमाटर साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए अपनी प्यारी बहनों को। वैसे तो मैं अपना बना के रखती हूँ प्याज, और अभी हमें शाना खान ने ज्वाइन कर लिया है। शाना प्याज और क्या था, ब्राउन टमाटो। ठीक है जी, तो अब ये बना हुआ होता है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग जब बनाओ तो आप लोग इस तरह बनाओ। ठीक है मेरी बहने, प्यारी प्यारी बहने और मेरे भाई और फूड लवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं। अच्छा जब तक वो होता रहेगा मैं ये अपना मिक्सर डाल दे रही हूँ, उसी में वो अच्छे तरीके से मेल्ट भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शाना पिघल भी। तो मेल्ट और पिघलने में कितना फर्क है, गर्म भी हो जाएगा। अच्छा हाय अल्लाह, ये देखे इंग्लिश मीडियम बच्चों की बातें सुने जरा आप लोग। शाना फोकस करो, शाने को फोकस करो, मैं आई। शाना जब मेरी बेटी आती है, आपको पता बेटियां कैसी होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो बेटी जब आती है तो वो माँ को ज्यादा फोकस करती है, इसलिए मैंने उसको याद दिला दिया है कि हम जो ये देखे ये मेरी माँ की थी चीज जो मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग भी रिजक को, खाने की चीजों को कोशिश किया करें, जाया ना करें प्लीज। अच्छा ना जब तक उसको डंडा हिलाओ, और माय गॉड सॉरी, चम्मच हिलाओ बेटा जल्दी जल्दी। मैं साथ साथ किचन भी अपना मैसी किचन भी ठीक करूं, उसकी वजह ये है क्रिकेटर वाला नहीं फुटबॉलर वाला मैसी नहीं। अच्छा जी, अब ये चूंकि हमारी हम आवाम गरीब आवाम बड़े दुख के साथ कहेंगे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, हमारे हुक्मरान हमें गैस नहीं देते हैं जबकि हम पोश इलाके में रहते हैं, उसके बावजूद यानी कि मैं कराची से एक दुखियारी बहन आप लोगों की गैस कमी होने की वजह से प्रॉन मसाला बनने में टाइम लग रहा है। और मेरे घर में जो दो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यानी कि मेरी बहन के, उनमें से छोटी जो बच्ची है हमारी रानी शहजादी खतीजा का नाम, यानी कि प्यारी खतीजा हमारी, तो उनको भूख लग गई है क्योंकि खुशबू ने उनको तंग कर रखा है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे अब मैं आपको मुंह से बता देती हूँ, गैस कम आ रहा है इस वजह से। अब मैं इसमें हल्दी पिसी भी डालूंगी,
पिसी लाल मिर्च डालूंगी, ये ब्राउन प्याज करके टमाटर डाल के ब्राउन प्याज और टमाटर का मिक्सचर हमने थोड़ा सा जो पहले रखा था वो डाला है। तो आप इसका ना प्याज का ले लें, एक पाव प्याज आपका होना चाहिए ब्राउन होने के बाद, पिसने के बाद वो इतना सा हो जाएगा आधा पाव। टमाटर भी आप आधा पाव का अंदाज रखें अगर आप इस क्वांटिटी में बनाएंगे। अब इसके अंदर जो है नमक आप लोग हसबे जायका रखेंगी, हल्दी जो है छोटी चाय की चम्मच, एक चम्मच हल्दी होनी चाहिए, दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च होनी चाहिए, और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा और पिसा हुआ क्या गरम मसाला। अच्छा, इस स्टेज पे हमने ये थैंक यू सो मच, मेरी बहन ने याद दिलाया कि आप ही, तुमने अभी वो डाला नहीं है पिसा हुआ अदरक लहसुन, तो मैं इस स्टेज पे पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल रही हूँ। तो ये देखें, ये इस कप का हिसाब ले लें, आधा पाव। हम लोग क्यों ज्यादा अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं, गैस ही नहीं आ रहा, तो गैस का जो है ना मैंने बहुत कोई सदमा ले लिया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह से यकीन है मुझ पे, मुझे कि मेरा थोड़ा बहुत भी जो गैस के मामला है वो हल हो जाएंगे और मसाला भुन जाएगा। जब आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए, मैं वापस रिपीट करती हूँ, प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसमें टमाटर डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, पिसी हुई हल्दी डालनी है, और क्या डालना है, पिसी हुई लाल मिर्च डालनी। मेरे मुंह पे कैमरा नहीं लाओ शाना प्लीज बेटा, ये तुम्हारी ये शरारतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, ठीक है जी। हम इस क्वांटिटी के हिसाब से, छोटी चाय के चम्मच के हिसाब से मैं क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई यानी कि एक बहनोई है मेरी प्यारी दोस्त, अब मैं नेक्स्ट टाइम नाम पूछूंगी, तो उन्होंने कहा था मेरी बेटी से, क्या कहा था शाना, अच्छा नहीं उसके साथ उन्होंने कहा था मामा को बोलना क्वांटिटी भी बताया करें। तो चूंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं मेरी रेसिपीज को फॉलो करती हैं बहुत शौक मोहब्बत के साथ, तो कुछ बातें मेरे घर तक आ जाती हैं, तो मैंने अब इसमें क्वांटिटी बता दिया है कि इस क्वांटिटी में अगर आप लोग बनाएंगे प्रॉन बिरयानी तो फिर छोटी चाय के चम्मच की हल्दी जाएगी। हम लोग थोड़ा तेज चटपटा खाएंगे, मेरी बहन और उसके बच्चे, तो हम तो तीन चम्मच लाल मिर्च डालेंगे चाय के, लेकिन आप लोग अपने फैमिली के हिसाब से। और शुक्र है थोड़ी गैस ने, थोड़ी थोड़ी गैस जो है क्या कहते हैं शाना, तेजी दिखा दी है, और ये कुछ देखें ये पक रहा है। तो जब तक ये पक रहा है सिमी खान के किचन में, सिमी खान के अपनी रेसिपी यानी कि माँ बाप की जो रेसिपी है मेरी, तो वो तो जब तक मसाला भुनता है जुड़े रहे हमारे साथ। मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, यार गैस नहीं है तो फिर मैं अगर थोड़ा ये सही से भुन जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सिमी खान के किचन से खुश आमदेद। अब देखें शाना यहाँ फोकस करें, ये देखें ये आपका मसाला, अभी सिर्फ मैंने प्रॉन बिरयानी का मसाला तैयार किया है, चूंकि गैस नहीं है घर पे तो बड़ी मुश्किल हो रही है, अब थोड़ी सी आई है, इसको और सुखाना है मुझे, छींटे बहुत उड़ रहे हैं इसलिए भी ढांक नहीं सकती, आपको दिखाना था। ये देखें इसका ये निकलता है कलर मसाले का। अब इस स्टेज पे हमने ये जो इसका बेसिक पॉइंट है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहते हैं सोया पत्ता, ये एक बहुत खुशबूदार बहुत ही जायकेदार, और अक्सर आप लोग जब फाइव स्टार होटल या डिफरेंट सैलेड में भी आप लोगों ने खाए होंगे यकीनी तौर पे, और अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ। अच्छा जी, एक गड्डी के लगभग अभी मैंने डाला है मसाले में, अब ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, ठीक है जी, चूंकि ये चिकन की बिरयानी नहीं है इसलिए मैं, और मटन या बीफ की नहीं है तो मैं इसमें पुदीना ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा किचन गंदा हो रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज को माइंड नहीं करेंगी। शाना जब तक वो दिखाएं आप, मैं नमक चढ़ूं। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार और बहुत खुशबूदार, काश जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये चीज मैं आप लोगों को खुशबू अगर सेंड कर सकती तो मैं जरूर सेंड करती। मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये पानी मुझे थोड़ा सा और सुखाना है। तो मैं आपसे ये कहना ये चाहूंगी कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये जो प्रॉन का जो मैं बना रही हूँ, एक्चुअली अम्मी जो बनाती थी तो वो ये मसाला डाल के
और चावल डाल के दम दे देती थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। इसको यकीनी तौर पे जो मेरी बहन से तो मैंने डिस्कस कर लिया था, उसको मैंने बता दी थी ये बात। इश्यू ये है कि मेरे घर में गैस कम है आज, मतलब हमारे एरिए में, इस वजह से मैंने दम वाला जो है वो जो एक्चुअल होता है कि ये मसाला तैयार हो गया, आपने प्रॉन्स डाले और राइस डाला, कच्चे चावल भिगोए हुए, और उसको ये करके अच्छे से दम दे दिया और आधे घंटे बाद आपका खाना डन है। लेकिन अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे मेरी सिस्टर ने याद दिलाया कि अभी मेरी भाभी देख रही होगी तो वो कह रही होगी कि अम्मी की रेसिपी बोलकर आपने ये किस किस स्टाइल में ये क्या कर दिया है। तो अब ये दो तरीके देखे मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोग चाहे तो वो तरीका कर लें, चाहे तो ये जो मैंने आपको दिखाया। अगर मैं वो तरीका करती ना शगो, तो फिर ये थोड़ा सा उसमें कन्नी रह जानी थी, क्योंकि गैस ना काफी है। इसलिए जो है याद, ये मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ। तो अच्छा, तो ये अब मैं इसको तय बिछा दूंगी। तो मेरे जो फूडी लवर्स हैं, मेरे बहन भाई, मेरे प्यारी प्यारी दोस्त हैं, मेरी बहनें, मेरी जान, जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई हूँ, कि जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे ऑल फूडीज लोग, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, और बस जुड़े रहें सीमी खान के शो के साथ। ये अभी शाना के हाथ में जब कैमरा होता है थोड़ी सी मैं नर्वस हो जाती हूँ, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत चल रही होती है। तो अभी मैं रखती हूँ उसको, अब मैं तह बनाते वक्त आपको वीडियो दिखाती हूँ। शुरू कर दिया वीडियो। अच्छा, अब इस मेरी बेटी ने शुरू कर दी थी वीडियो, मुझे पता नहीं चला। ये देखिए मैंने प्रॉन डाल दिया है। जब आप पूरा मसाला करें, ना ये गोश्त है, ना ये मटन है, ना ये चिकन है, ना ये बीफ है, क्योंकि ये प्रॉन है और इसको कम पकाया जाता है। ये बेसिक बात आप लोग प्लीज नोट फरमा लें, फूडीज लवर्स, मेरे बहन भाई, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी फैमिली फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझ लें कि हमने प्रॉन्स को ज्यादा नहीं पकाना है, वरना वो अकड़ से जाते हैं। तो बस जब आपने राइस डालना हो तो लाइक उस वक्त आपने जो है प्रॉन डाला और राइस डाला और फिर दम दे दिया। एक तो प्रोसेस ये हो गया जो मेरे पेरेंट्स का प्रोसेस था। अब चूंकि देखिए हमारे यहाँ गैस, दिखा दो शाना, ये कभी तेज हो रही है, देखे कभी कम हो जा रही है। तो इस सूरत हाल के तहत मैंने तह वाली जो है मुझे वो ज्यादा मुनासिब लगी है, ताकि जो क्या कहते हैं, ताकि चावलों में कसक ना रहे और मेरे चावल जो है हमारे खराब ना हो। तो चले अब मैं दम लगाने जा रही हूँ डायरेक्ट, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, सीमी खान के किचन से खुश आमदीद। ये देखें, ये मैंने एक तह बना दी है, ठीक है, इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब ये इस खाने की, इस बिरयानी की जो जान है ना, वो एक्चुअली है सोया पत्ता, जो मैं बारहा आपसे कह रही थी। तो वो मैंने एक गड्ढी जो बचाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और मैं कैसे आपको, काश मैं बता सकती थी कि कोई इतनी मजेदार खुशबू आ रही है। तो अब मैं ये तह लगा रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं, ये तो बहुत ही इजी और सिंपल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हमने कभी जाती तौर पे तह वाली प्रॉन बिरयानी नहीं बनाई है, लेकिन गैस की कमी की वजह से मुझे इस तरह बनाना पड़ा, तो मेरे देखने वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब वो दोनों तरीकों से आप लोग ट्राई कर लेना, क्वांटिटी अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से कर लीजिएगा। तो हम जो पकाते हैं, हम जो खाते हैं, वही दिखाते हैं, वही हमारा मेनू ऑफ द डे होता है। तो अब जनाब मैं ये आपको प्रेजेंट, अब इसको पूरा दम दम दे के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो जुड़े रहें सिमी खान के साथ, मुझे आपने ऐसे ही लाइक्स और कमेंट्स में मुझे याद रखे, मेरी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ इनकी क्या, इसकी क्या शक्ल निकलती है। जी फूडीज फैमिली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ये देखें दड़ा, शानी फोकस कीजिए। ये देखें हमारी प्रॉन बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली तवील जद्दोजहद के बाद, गैस ना काफी होने के बावजूद मैंने कर ही लिया, जो कि मुमकिन को मैं हमेशा नामुमकिन बना देती हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे बहन भाइयों का प्यार और मेरी तमाम फूडीज फैमिली, मेरे तमाम बहन भाई जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली फ्रेंड्स, मेरी दोस्तें, और मुझे मेरे साथ खड़े हैं इस शो में,
मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन हूँ मैं, उनकी दोस्त हूँ मैं, उनकी बेटी हूँ मैं, और क्या कह सकती हूँ, उनकी दोस्त हूँ मैं। तो जनाब, ये आप लोगों की मोहब्बत है, तो फाइनली ये देखें, ये रंग ले आई है मेहनत और प्रॉन बिरयानी रेडी है। तो सैलेड जो है हमेशा की तरह इस बार भी शाहाना खान ने कटिंग की है। इस दफा उनको मैंने वो खुद ही जाकर कटर भी ले आई थी, और रायता जो है मेरी बहन ने तैयार किया, हम सब ने मिलजुल के किया है। अच्छा खैर जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रॉन बिरयानी की जो शक्ल है वो यही होनी चाहिए जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल, यानी कि जो मेरे मामा पापा की रेसिपी थी, अम्मी पापा की रेसिपी, वो ये होनी थी। इसमें आप लोग जो है प्लीज जब भी बनाए तो ये रंग नहीं डालनी है, अगर आपने सिमी खान की रेसिपी को ट्राई करनी है, ठीक है जी। ओके, ये बात गुड हो गया, तो आपने इसी तरह करना। इसमें हरी मिर्चियों का बड़ा इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज्यादा चटपटा बनता है, और इसके अंदर लेमन का जूस, जो मैं जल्दी में थी, चूंकि आपको पता है अचानक सब चीजें हमारे घर में प्लान्स हो जाती हैं, तो फिर वो इसमें लेमन का जूस बहुत डाला जाता है, और इसको लेमन को कटिंग करके लेमन के के साथ क्या कहते हैं शानी, नहीं शानी, इसको क्या कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, मैंने चोर कर और कटी हुई बहुत जबरदस्त स्क्वीज करके, और ये देखें इस तरह की बारीक प्याज के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन मेरी बहन ने चूंकि बच्चे भी थे तो दही का रायता भी बन गया, तो ये तो हो गई बात कि आपने किस तरह खाना है। आपने इसमें जर्दे का रंग बिल्कुल नहीं डालना है, और आप जो भी मेरे फूडीज फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरी दोस्तें जो भी बनाती हैं अपने घर में, और सी फूड्स वाले जो फैन हैं, तो अगर वो ये प्रॉन बिरयानी, प्लीज आप लोग एक बार अपनी दोस्त बहन बेटी के स्टाइल में बनाएं, और आप जरूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको जितना मेरे घर में इस वक्त खुशबुएं हैं, और जितना बच्चे सोच रहे हैं कि कब, हाँ भी जल्दी कर लो, भूख से जान निकल रही है। अच्छा, तो इससे पेट भरवा दूंगी क्या, कह रही है वो खुशबुओं से, तो अल्लाह से मेरी हमेशा घर आंगन भी ऐसे ही खुशबुओं से बसा रहे, और मेहमान जो है अल्लाह पाक की रहमत है, अच्छे दोस्त, अच्छे आपकी लाइफ में फैमिली फ्रेंड्स हो, तो ये भी आपकी जाहिर करता है कि आपका रब आपसे किस कदर राजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने तमाम बहन भाइयों का जो मुझे देखते हैं सुनते हैं सबका तहे दिल से मैं, मेरे बच्चे बहुत शुक्रगुजार हैं, और आज मैंने अम्मी पापा की रेसिपी आप लोगों से, अपनी फूडी फैमिली से शेयर किया है, और छोटी बहन की चूंकि एक्चुअली वो उनको खिलाना था, तो मैं अपने इंशाल्लाह अपने भाई को, आप देख लो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, अब तो आ जाओ, कितने सब लोगों ने सुन लिया, भाई भाई एक बार आके मिल लो यार, शक्ल दिखा दो। अच्छा खैर जी, तो मैं अपने भाई से मुखातिब थी इस वक्त, तो उसको मैं इंशाल्लाह पार्सल भिजवाऊंगी, और आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा कोई ना कोई पैगाम देती हूँ, सो मैं यही पैगाम दूंगी कि अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करें खुलूस मोहब्बत के साथ। और बहुत सारे लोग, मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे सवाल करती हैं, मैं कमेंट्स में सम टाइम पढ़ लेती हूँ, तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत कुछ, तो एक्चुअली प्यारी मैं नहीं हूँ, ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतना, आप लोगों को आपका प्यार है जो दिखाता है कि मैं इतनी प्यारी हूँ, और हम सब लोग प्यारे हैं, अल्लाह के हम सब इंसान हैं। और वो एक बात कहना चाहूंगी, दिलों को साफ कीजिए, आप जब दिलों को साफ करेंगे तो आप खुद ब खुद प्यारे हो जाएंगे। तो बहरहाल खाना दिल से पकाइए, प्यार से बनाइए। तो अच्छा जी, हाँ मैं ये कहने लगी हूँ कि मेरी प्यारी दोस्तों में से एक मेरे नन्हे मुन्ने भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी एक बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी डॉल है, उनका नाम है मरियम, पूरा नाम क्या है शाना उनके फादर का, मरियम मुंशी। तो उन्होंने ना ये मुझे छोटी छोटी, शानी फोकस कीजिएगा, ये देखिए उन्होंने मुझे अपनी जैसे प्यारे प्यारे मुझे ये मैट्स भिजवाए अपनी खाला को, तो मैं इसको जरा सा कह दूं कि आई लव यू मेरी लिटिल डॉल, आई लव यू सो मच, आप हमेशा जियो हजारों साल, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। और अब देखें आप सब जो मेरे बहन भाई और जो मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि सिर्फ आप ही लोग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी मेरा शो देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी है उसके लिए, और तमाम जो मेरी टीनेजर बेटियां हैं उनको भी मेरा बहुत प्यार, क्योंकि मुझे पता चलता रहता है कि वो बच्चियां भी देख रही हैं। और एक चीज मुझसे मैं गलत कर देती हूँ हमेशा, कि हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां
मुमकिन जो नामुमकिन होती है उनको हम मुमकिन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो हमें चाहना है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए। दिलों को साफ कीजिए, आप जब दिलों को साफ करेंगे तो आप खुद बखुद प्यारे हो जाएंगे। तो बहरहाल खाना दिल से पकाइए, प्यार से बनाइए, तो फिर खाना इतना ही मजेदार होगा। तो जिए और प्लीज जीने दें, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हमेशा के लिए दुआ करें कि वो हमेशा कायम रहे हमारे सरों पे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, रिश्तेदारों को दिलों में जगह दे एक दूसरे के लिए, और जिनके जो नहीं है जिनके पेरेंट्स, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, मेरे बच्चों की मगफरत फरमाए, और हमारे बहन भाइयों की सबकी। आप हमेशा अपने लिए मगफरत की भी दुआएं मांगा करें। क्या पता हम लोग जो आजकल इतने मसरूफ हो गए कल को पता नहीं कोई हमारी मगफरत की दुआ मांगे या ना मांगे। बहरहाल तो बस दुआओं में सबको याद रखें। आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। पाकिस्तान के दम से सिमी खान है, आपके दम से सिमी खान है, अपने बच्चों के दम से, अपने खाविन के दम से सिमी खान है, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के दम से सिमी खान है। तो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, और आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को दुआओं में। अब हम चलें खाने, क्योंकि खुशबुओं से बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे मेहमान बहुत परेशान हो रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो। एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।